अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो चलिए, आज है दिल्ली में हम लोग का डे टू। कल कुछ नहीं किया था, सिर्फ लोकल हम लोग मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा, लोकल घूम रहे थे। और आज हम लोग सोच रहे सरोजनी नगर मार्केट जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सो चलिए देखते कहाँ चलते हैं। बाबा मेला शिजान कहाँ है, मम्मा का बाबा कहाँ है, शिजान की कभी सभी यहाँ निकल रहे थे। निकलते निकलते अम्मी गई थी पुलखाला से मिलने के लिए, अपनी खाला से मिलने के लिए, मेरी नानी। तो उन्होंने शोले दिए थे बना के, बहुत ही मज़े के वो बनाती हैं, और वहाँ से वो लेकर आई थी हमारे लिए। बस निकलते निकलते खा रहे थे हम लोग और बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए अब निकलते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह से दिन की रोशनी में ये जामा मस्जिद इतना खूबसूरत लग रहा है। तो बस यहाँ ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो आ जाएगी तो फिर हम निकल जाएंगे। बहुत देर हो गई है, चलिए चलते हैं सरोजनी नगर। और काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी बहुत है, ऑटो लेनी है हम लोग ने। तो चलिए मिलते हैं सरोजनी नगर में और वहाँ दिखाते हैं कैसा कैसा क्या क्या है। और हम लोग ने यहाँ तीन ऑटो करी है, इतने सारे हम लोग हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए। हम लोग ओल्ड दिल्ली में रह रहे हैं, सो अभी हम लोग न्यू दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट न्यू दिल्ली में है। और बस की जाते हुए रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। और देखिए आगे, जैसे कि मालूम है दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, सो ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हमारी और यहाँ पर नारियल बेच रहे थे ये लोग। मुझे नहीं मालूम आप लोग में से किसको कितना पसंद है ये चीज़, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। अगर नारियल मिलते हैं तो मैं ज़रूर से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठे नारियल थे। काफ़ी दूर थी मार्केट, तकरीबन 40 मिनट लगे हम लोग को वहाँ पहुँचने में क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। तीन ऑटो ली थी हमने, बाकी जो दो ऑटो थी वो पहुँच चुकी थी, सिर्फ हमारी ऑटो रह गई थी क्योंकि हम लोग ने बहुत लास्ट में ऑटो पकड़ी थी क्योंकि जामा मस्जिद के वहाँ पर बहुत रश होता है और ऑटो मिलने में बहुत मुश्किल होती है। पहुँच गए थे अब हम ये मार्केट। जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मैं ज़रूर से इस मार्केट में आती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारा सामान आपको एक जगह से मिल जाता है, आपको मतलब और सेल में मतलब कम दाम में कम रेट में मिल जाता है। सो यहाँ पर स्लीपर्स बहुत अच्छी लग रही थी डेली वेयर के लिए, यहाँ पर 150 to 200 के रेंज में मिल रही थी, तो वो ले ली मैंने, दो तीन ले ली मैंने। समायरा भी अपने लिए यहाँ पर नाइट वेयर मतलब सोने के लिए जो लॉन्ग गंजियाँ होती हैं वो पहनती है, वो बहुत पहनती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। सो वो यहाँ से वो भी ले रही थी अपने लिए। ट्रैक पैंट्स बहुत अच्छी कंफर्ट मटेरियल्स के एकदम अच्छे रेट पे मिल रहे थे, तो हमजा के लिए ले ली मैंने वहाँ से। छोटे छोटे स्टड्स मिल रहे थे, समायरा यहाँ अपने लिए वो ही ले रही थी। बोलते हैं ना कि आपके पास आप कहीं से भी जितना ही ब्रांडेड पहन लो लेकिन आपको छोटी मोटी चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं, सो इसी वजह। और लड़कियों का तो सेल जहाँ सुनती हैं लड़कियाँ वहीं दौड़ती हैं, सो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सेल लगी हुई थी। यहाँ बहुत प्याज मिल रही थी, हम लोगों ने यहाँ स्ट्रॉबेरी शेक ले लिया था हम लोगों ने, और मैं मना करती हमजा को मत दो लेकिन उन्होंने दे दी ज़बरदस्ती। ठंड विंटर वेयर के लिए बहुत अच्छी अच्छी कैप्स आई हुई थी यहाँ पर, वो मैंने शाहजैन के लिए ले ली यहाँ पर से। मतलब यहाँ पर मतलब सब कुछ आपको जो चाहिए यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है एक ही मार्केट में, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर किचन का कुछ सामान, शूज से लेकर एवरीथिंग सब। लेट मी चेक नो, हाँ दो मिनट रुको मैं आता हूँ, वेट अ मिनट, गो कॉल दादी, गो 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 कॉल दादी। शाहजहान के लिए हम लोग ने यहाँ से केटोस ले लिया, वो भी बहुत अच्छी रेट में मिल गया। ये हमजा ने शूज़ लिया था, 2000 का पड़ा था, ब्रांडेड शूज़ था, बहुत अच्छा था माशाल्लाह से।
और बस यहाँ से हम लोग निकल गए और शाहिद हम लोग सब इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि हम लोग ने डिसाइड किया था सब अपने अपने जो जिसको जो जो शॉपिंग करनी है सेपरेट हो जाएंगे वरना एक के चक्कर में दूसरा भी फंसा रहेगा। तो यहाँ समायरा को डेनिम की जैकेट चाहिए थी तो उसको ये वाली पसंद आई थी उसको ये दिला दी हम लोग ने। क्या गाना गा रहा है शाज़े? आज मैं बताऊँ तुझको मैंने तेरा नाम लिखा है नूरा देखिए माशाल्लाह से फिटिंग कितनी अच्छी आई है और मैं जब जब यहाँ से कुछ सामान लेके जाती हूँ बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो बहुत कुछ सामान हम लोग ने लिया था और यहाँ से शाहिद को भी शूज़ हमजा के बहुत पसंद आए थे सो वो भी उस शॉप में चला गया था जहाँ से हमने बच्चों के शूज़ लिए थे और वहीं से फिर उसने भी अपने डैडी के लिए और भी अपने लिए सिमरा के लिए सबके लिए उसने भी शूज़ लिए वहाँ से। डैडी के लिए ले रहा भाई शूज़ इतना बड़ा अच्छा हो गया नहीं बहुत अच्छा है सबसे अच्छा लास्ट शूज। चलो वो बहुत यूनिक कॉफी टाइप का बहुत खुशा लग रहा है तो नॉर्मल ब्लैक तो हर कर देना डैडी के लिए ना लगभग यहाँ पर 9 बज गए थे रात के और अब हम लोग एकदम टायर्ड हो गए थे क्योंकि ना यहाँ पर अगर इंसान आए ना तो आप बच्चों को लेकर नहीं आए क्योंकि आप बच्चों को भी कैरी करते हो और फिर डर भी लगा रहता है इतना रश रहता है बच्चे इधर से उधर ना हो जाए। सो बस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे हम लोगों ने कहा कि अब निकल चलते हैं। और देखिए माशाल्लाह से रोड्स में लाइटनिंग देखिए इतनी खूबसूरत लग रही थी यहाँ पर दिल्ली के रोड्स। मुझे ये दूसरी वाली ऑटो सिमरा और शाहिद और कैकिशा इसमें जा रहे हैं तो बस यहाँ देखिए माशाल्लाह से इंडिया गेट इतना खूबसूरत लग रहा था पूरा जगमगा रहा था रोशनी से। इस बार दिल्ली का ट्रिप ज़्यादा लंबा नहीं था सिर्फ एक दिन ही हम लोग के पास था घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए और जो भी रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए। सो हम लोगों ने सोचा कि हर वक्त मैं दिल्ली आती मैं घूमती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी आप दिल्ली आऊँगी तो आप लोग को अच्छे से एकदम दिल्ली का टूर करवाऊँगी। पहुंच गए थे और बस सामान को ऊपर में रखा सारे अपना जितना सामान जो जो लेकर आए थे रूम में रख के फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और आज असलम चिकन में हम लोग को खाना था। बहुत देर हो गई थी सोच रहे थे पता नहीं खुली हुई भी होगी कि नहीं क्योंकि 11 बज गए थे आराम से हम लोग को।
और एक बात ज़रूर बताऊंगी, जो सामने में जो फैमिली बैठी हुई है, ये लोग जब हम लोग को इन लोगों ने देखा तो आपस में बात कर रहे थे कि मम्मा यही है जिनके पास बेबी है ना, वही है शीरी सादिक, इन्हीं के व्लॉग्स आते हैं। तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी और थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा थोड़ा। अभी हम लोग कहाँ आए? असलम चिकन, असलम चिकन बोलो। वो यहाँ हम लोग ने चंगेज़ी चिकन ऑर्डर दे दिया था और जिसके साथ रुमाली रोटी, एकदम चंगेज़ी चिकन एकदम मक्खन से भरी हुई थी माशाल्लाह से, इतनी यम लग रही थी, मैं दिखाऊंगी अभी। और मैंने हम लोग ने यहाँ पर कबाब भी ऑर्डर दिए थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। और दिल्ली में हमारा ज़्यादा दिन का स्टे नहीं था, सिर्फ डेढ़ दिन, आप समझ लीजिए आधा दिन तो पूरा मेरा, हम लोग अजमेर से दिल्ली आए उसी चक्कर में पूरा सारा दिन निकल गया एकदम थकावट में। यही दिन था हमारे पास में, सो हम लोग निकले नहीं ज़्यादा घूमने के लिए। और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी राजधानी के लिए। सो यही था मेरा व्लॉग आज का। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और एक बात, ये जो डिनर हम लोग कर रहे हैं ये मेरे छोटी वाली बहनोई की तरफ से, थैंक यू सना इमरान, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। हम लोगों ने डिनर कर लिया था, उनके बाद हम लोग को पता चला कि नहीं, मैं उन्होंने बिल पेमेंट किया था। सो ये हम उन लोग ट्रीट देना चाह रहे थे लेकिन पहले से नहीं बताना चाह रहे थे हम लोग को। सो एनीवेज, और उसके बाद जब हम लोग का डिनर हो गया था, जब हम लोग नीचे उतरे तो उसने हम लोग को सबको शाही टुकड़े भी खिलाए। सो थैंक यू। और बहुत अच्छा हमारा ये स्टे था, ये वेकेशन हम लोग का बहुत अच्छे से गुजरा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ खुशी खुशी गए थे, साथ खैर के साथ हमारा ये सारा टूर अच्छे से गुजरा। और बस दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।